क्या आपके स्किन पर एक्नी के दाग, स्कार या धब्बे हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्नी की तरह एक्नी स्कार के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? अगर आप एक्नी स्कार के टाइप्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर MD, पुणे। दोस्तों, बहुत बार पिंपल्स या एक्नी ठीक होने के बाद हमारे स्किन पर उनके दाग या धब्बे और स्कार भी रह जाते हैं। जब आपके स्किन पर रेड पैप्यूल्स, पिंपल्स या पुशुल्स, नोड्यूल, सिस जैसे इन्फ्लेमेटरी एक्नी आते हैं तो आपके स्किन को एक इंजरी जैसा ही होता है और फिर स्किन में अंदर से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होती है। इस इन्फ्लेमेटरी या इंजरी को ठीक करने के लिए आपके स्किन में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके दौरान स्किन जरूरत से कम या ज़्यादा कोलेजन बनाती है। इसकी वजह से स्किन में डिप्रेशन यानी गड्ढा या छेद या खड्डा या बम्स यानी ऊपर आने वाली स्किन ऐसे तैयार हो जाती है, इससे स्कार बोलते हैं। ज़्यादातर स्किन पर स्कार इन्फ्लेमेटरी एक्नी या पैपुलोपुस्टुलर एक्नी की वजह से ही आते हैं। इस टाइप के एक्नी टाइम पर प्रॉपरली ट्रीट न करने की वजह से या इन्हें छेड़ाछाड़ी करने से, पॉप करने की वजह से स्किन को ज़्यादा इंजरी हो जाती है। इस इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इंजरी को ठीक करने के लिए बॉडी में, स्किन में एक नेचुरल प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्किन में जो डैमेज हुआ है उसे हील करना तो शुरू हो जाता है नेचुरली, डैमेज रिपेयर प्रोसेस ये शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस में कोलेजन नाम का एक स्किन रिपेयर टिश्यू होता है जो आपके स्किन रिपेयर में मेन इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर इन्फ्लेम्ड एक्नी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के दौरान आपके स्किन में कोलेजन की मात्रा थोड़ी कम तैयार हो जाती है तो आपके स्किन पर छोटे या बड़े गड्ढे या डिप्रेशन या स्कारिंग बनने लगते हैं, जिससे आपकी स्किन का टेक्सचर अनइवन दिखने लगता है। इवन कभी कभी आपकी स्किन रेड या डार्क या पिगमेंटेड भी दिखने लगती है। इन स्कार को डिप्रेस स्कार या एट्रोफिक स्कार या गड्ढे बोलते हैं। ये ज्यादातर आपके चिक्स या फोरहेड या चेहरे पे ही दिखाई देते हैं। कभी कभी एक्नी हीलिंग प्रोसेस के दौरान आपके स्किन में कोलेजन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है और आपके स्किन पे छोटे छोटे बम्पी लीजन्स आने लगते हैं, जिसे हम रे स्कार, किलोइड स्कार या हाइपरट्रॉफिक स्कार भी कहते हैं। ये ज्यादातर आपके चेस्ट या बैक, लेकिन नोज या चिन पर भी दिखाई देते हैं छोटे छोटे हाइपरट्रॉफिक स्कार, चाहे एट्रोफिक हो रे स्कार। इनकी इंटेंसिटी या सिवियरिटी अलग अलग होती है और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। एक्नी स्कार को साइंटिफिकली अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है, उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन भी अवेलेबल है, पर हम इंपॉर्टेंट टाइप्स की ही चर्चा करेंगे। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक या माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर एक्नी स्कार, ऐसे भी इसे कॉमनली क्लासिफाई किया गया है, जो प्रैक्टिकली और ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वही हम आज डिस्कस करेंगे। ग्रेड 1 एक्नी स्कार में मैक्यूलर स्कार होते हैं जो फ्लैट और सुपरफिशियल होते हैं। वे छोटे रेड फ्लैट मार्क्स की तरह पिगमेंटेड या काले दाग की तरह दिखते हैं। ग्रेड 2 में माइल्ड स्कारिंग होता है, स्किन पर मामूली सा डिप्रेशन गड्ढा होता है जिन्हें लोग दूर से शायद नोटिस भी नहीं करते, लेकिन नजदीक से दिखता है। ये स्कार मेकअप से भी कवर हो सकते हैं। ग्रेड 3 स्कारिंग में मॉडरेट स्कारिंग हो जाता है। ये स्कारिंग सोशल डिस्टेंस पर भी यानी दूर से भी दिखाई देता है, इवन फोटो में भी दिखाई देता है। ग्रेड 4 स्कारिंग काफी सीवियर है। ये स्कारिंग काफी डीप होता है, डिप्रेस स्कारिंग होता है। ऐसे केसेस में स्किन पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इन्हें ट्रीट करने के भी काफी सारे सेशंस और ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन की इसके लिए जरूरत पड़ती है। इन एक्नी स्कार के टाइप के बारे में और जानने से पहले ये देखते हैं कि एक्नी स्कार को हम डॉक्टर एसेस कैसे करते हैं, एग्जामिन कैसे करते हैं और इन्हें या कैसे हम लोग जांच करते हैं ये देखेंगे। देखिए, एक्नी स्कार बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो ट्रेंड स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन स्कार को, इन टाइप्स को डिटेल में पहचानने के लिए यूजुअली एंगल लाइटिंग यूज करते हैं।
एक्नी स्कार को डायरेक्ट और नॉर्मल लाइट में या फ्लैश लाइट में फोटो पे पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए स्कार की जांच करने के लिए एंगल टेंजेंशियल लाइटिंग का हम लोग इस्तेमाल किया जाता है और करते हैं, जिससे आपके एक्नी स्कार या पिगमेंटेशन क्या है इसे भी हमें पता चलता है। इसके बाद हाई रेजोल्यूशन फोटो के साथ आपके स्कार का मैपिंग किया जाता है और स्कार के सब टाइप को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए एक्नी स्कार को पहचानने के लिए दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है एनिमेशन, यानी कि जब आप बोलते हैं, हंसते हैं ऐसे, या जब आपके चेहरे की मूवमेंट होती है तब वो स्कार हम लोग एग्जामिन करते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि टिदरिंग कितना हो गया है, यानी कि जब आप आपकी स्किन को हंसते समय पुल करते हैं, ऐसे पुल करते हैं, तब आपके स्कार आपकी स्किन को कितने अटैच है, वो स्कार टिश्यू स्किन को कितना अंदर खींचती है। कई बार लोग हमें ये देखते हैं, हम कई बार स्कार के फोटो भेजते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो देखकर हम स्कार की जांच प्रॉपरली नहीं कर सकते। स्कार को सही तरह से या डिटेल एसेस करने के लिए पेशेंट का सामने होना जरा जरूरी है, प्रॉपर लाइटिंग जरूरी है, स्कार को प्रॉपरली टच करके स्कार को कितना डीप है, कितना फाइब्रोटिक है, इवन स्किन का टेक्सचर टोन ये सब कुछ देखते हैं और स्कार की पूरी जांच करके ही हमें समझ में आता है। तो आइए अब देखते हैं कि एक्नी स्कार को अलग अलग टाइप कौन से है। दोस्तों एक्नी स्कार का सबसे कॉमन टाइप है डिप्रेस स्कार या पीटेड स्कार या गड्ढा। 90% लोगों में ये एट्रोफिक मिक्स स्कार दिखाई देती है। स्किन में कोलेजिन कम होने से डिप्रेस स्कार या एट्रोफिक स्कार या गड्ढे तैयार होते हैं। ये स्कार छोटे गड्ढे जैसे दिखते हैं या बड़े दिखते हैं। एट्रोफिक स्कार के 3 टाइप है, रोलिंग स्कार, बॉक्स स्कार, आइसपिक स्कार। तो पहले हम रोलिंग स्कार देखते हैं। ये ब्रॉड डिप्रेशन की तरह होता है, सॉसर जैसा होता है और यूजुअली 4-6 मिलीमीटर लंबा रहता है। जब आपकी सुपरफिशियल स्किन फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस बैंड के साथ डीप टिश्यू से यानी सबक्यूटेनियस लेयर से अटैच हो जाती है, पकरिंग होती है, स्किन अंदर की तरफ खींची जाती है तो रोलिंग स्कार तैयार होते हैं। ऐसे स्कार स्किन का सरफेस या टेक्सचर इसका रफ होता है, एम शेप की तरह रहते हैं यूजुअली, और इनके एजेस स्मूथ होते हैं। इसे ट्रीट करने के बहुत सारे लाइट लेदर और एनर्जी बेस्ड डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शनल सूट, RBM लेदर, माइक्रो नीडल RF यानी MNRF, डर्मा रोलर, डर्मा पिन, PRP, स्किन नीडलिंग और मेनली सर्जिकल सब्सिजन ऑफ दैट स्कार। डिप्रेस एक्नी स्कार का दूसरा टाइप है बॉक्स स्कार। ये बहुत रोलिंग और डीप रहते हैं। ये राउंड स्क्वायर या होल शेप के होते हैं लेकिन स्टिप होते हैं। इनकी एजेस वर्टिकल शार्प होती है और ये चिकन पॉक्स स्कार की तरह दिखते हैं, अगली दिखते हैं। ये स्कार काफी डीप होते हैं और इनका बेस नैरो नहीं होता, काफी ब्रॉड होता है। ऐसे स्कार का स्किन सरफेस बहुत ही पिगमेंटेड और टेक्सचर काफी रफ होता है। ये स्कार अगली या खराब दिखते हैं, दूर से भी दिखाई देते हैं और ये डिफिकल्ट है ट्रीटमेंट के लिए, ये खरोज की तरह दिखते हैं। बॉक्स स्कार, स्कार को ट्रीट करने के लिए बहुत बार इन्हें सर्जिकली निकाला जाता है, जिसे पंच एक्सीजन कहते हैं और उसके बाद सब्सीजन करते हैं, सुचरिंग करते हैं। छोटे स्कार लाइट और लेदर एनर्जी बेस्ड डिवाइस को रिस्पॉन्ड करते हैं, मेनली फ्रैक्शनल CO2 लेदर, RBM लेदर, माइक्रोनीडल RF वगैरह ये यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभी आइसपिक स्कार। ये बहुत छोटे रहते हैं पर ये सीवियर स्कार होते हैं, जो डीप रहते हैं, ऊपर नैरो होते हैं लेकिन बहुत डीप होते हैं, आइसपिक जैसे होते हैं। ये स्कार 2 मिलीमीटर से कम रहते हैं, नैरो दिखते हैं पर ये स्किन में बहुत डीप शार्प होते हैं। ये स्किन के डीपर लेयर तक फॉर्म होते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है ये ट्रीटमेंट को और रिस्पॉन्ड भी ज़्यादा नहीं करते। ये स्कार बड़े होल या एम्प्टी पोर की तरह दिखते हैं, बहुत डिफिकल्ट रहते हैं ट्रीटमेंट के। इन्हें मेकअप से भी आप कवर नहीं कर सकते। आइसपिक स्कार को ट्रीट करने के लिए पंच एक्सीजन टेक्निक, TCA यानी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, TCA क्रॉस बोलते हैं हम, या फ्रैक्शनल लेजर की ट्रीटमेंट का MNRF की ट्रीटमेंट ये साबित होती है कि अच्छा कर सकते हैं। एट्रोफिक स्कार यानी रोलिंग बॉक्स स्कार, स्कार को ट्रीट करते समय उसके नीचे फैट ग्राफ्टिंग, डर्मल फिलिंग, ये बाकी सारी फिलर्स कॉम्बिनेशन की ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं और वो गड्ढा या डिप्रेस स्कार इसे भरे और वो स्कार थोड़ा ऊपर आए ऐसा करके हम फिलिंग डालते हैं। एट्रोफिक स्कार की ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को बहुत कॉमनली ये होते हैं तो ये रिस्पॉन्ड भी अच्छे करते हैं। इसके अलावा
ये एट्रोफिक स्कार हो गया, अभी हाइपरट्रोफिक स्कार हम देखते हैं, ये इसके अपोजिट रहता है। इसमें स्किन रिपेयर के दरमियान कोलेजन की मात्रा जरूर ज़्यादा बढ़ती है, तब हमारे स्किन पर ये रेज स्कार आते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, एक तो केलॉइड और दूसरा है हाइपरट्रोफिक स्कार। ये स्कार भी इन्फ्लेमेटरी एक्नी की वजह से ही होते हैं, और ये बॉडी की टेंडेंसी होती है इनमें हाइपरट्रोफिक की या केलॉइडल। देखिए, जब हमारे स्किन पर ज़्यादा अमाउंट में स्कार टिश्यू बनता है, तब हमारे स्किन पर रेज बम आने लगते हैं, जिससे हमारी स्किन अनइवन और बम्पी दिखने लगती है, और हीलिंग प्रोसेस के दौरान हमारे स्किन पर थिक वाइड और रेज स्कार आने लगते हैं, जिसे हम हाइपरट्रोफिक स्कार कहते हैं। ये स्कार यूजुअली टाइनी बम्प्स रहते हैं, ये टाइनी स्किन कलर के रेड या पिंक कलर के छोटे छोटे बम्प्स होते हैं। यूजुअली किलोइड स्कार से ये छोटे रहते हैं, और ये किलोइड स्कार की हिसाब से ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकते हैं, ये समय के साथ इवन फेड भी हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। यूजुअली किलोइड स्कार हाइपरट्रोफिक स्कार से बहुत बड़े होते हैं, ये इंजर्ड एरिया के बाहर भी फैल सकते हैं, ये समय के साथ बढ़ते रहते हैं। ये ज़्यादातर पिंक या पर्पल कलर के या डार्क स्किन कलर के होते हैं, और चेस्ट बैक पे रहते हैं, इन्हें ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। इन्हें ट्रीट करने के लिए सर्जरी या लेज़र या इंजेक्शन स्टीरॉयड के या सिलिकॉन शीट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। छोटे किलोइडल स्कार को, हाइपरट्रॉफिक स्कार को क्रायोथेरेपी से भी ठीक किया जा सकता है। देखिए, एक्ने स्कार का कौन सा भी टाइप हो, वो कितना सीवियर डीप पिगमेंटेड एक्ने स्कार हो, उसका अपीयरेंस हम कम कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। लेकिन एक्ने स्कार को 100% या 100% इनविजिबल, पूरा क्लीन परमानेंटली ट्रीट या क्योर नहीं किया जा सकता। रिमेंबर वन थिंग, वन स्कार इज लाइफ टाइम स्कार। यू कैन रिड्यूस स्कार टू अनरिकग्नाइजेबल लेवल, यानी स्कार ना दिखे उस लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं, पर स्कार टिश्यू को हम फिर नेचुरल स्किन टिश्यू में नहीं बदल सकते। लेकिन एक्ने स्कार को ट्रीट करने के लिए, कम करने के लिए कई सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट, सेफ ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है, उससे हम कई पेशेंट में एक्ने स्कार का अपीयरेंस मैक्सिमम कर सकते हैं, और अर्ली स्कार में तो हम लगभग पूरा उसे न दिखाई दे उस लेवल पे स्कार को कम कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। देखिए, ज़्यादा लोगों में मिक्स टाइप के स्कार रहते हैं, अलग अलग टाइप स्कार रहते हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट या एक ही टाइप का लेज़र, सिर्फ CO2 लेज़र की ट्रीटमेंट, ये काफ़ी नहीं होती, या स्कार को मेजर इम्प्रूवमेंट वो एक लेज़र नहीं दे सकता, एक ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। इसलिए आपके डर्मेटोलॉजी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको अलग अलग ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट्स के कॉम्बिनेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से सुन के करिए। देखिए, अगर आपके पिंपल्स या एक्ने को आप वक्त पे ट्रीट करते हो, उसे प्रॉपरली मैनेज करते हो, तो आपको स्कार भी नहीं होगा, और इन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। सही टाइम पे एक्ने का इलाज करिए और एक्ने स्कार को प्रिवेंट कीजिए, दैट इज बेस्ट थिंग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और स्कार होने के पहले ही एक्ने को ट्रीट करते जाना, क्योंकि स्कार अपने आप सही नहीं होते, वो एक्ने होने के ही बाद आते हैं, तो बेहतर है कि आप एक्ने को जल्दी ट्रीट करो, एक्ने स्कार को प्रिवेंट करो। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से एक्ने स्कार और उनके टाइप्स के बारे में कुछ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके एक्ने स्कार के बारे में और कोई सवाल है, डाउट्स है, तो आप हमारे वेबसाइट www.clearskin.in पर जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हो। हम एक्ने स्कार पर एक वीडियो की सीरीज बना रहे हैं, जहाँ पर हम एक्ने स्कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे रहे हैं, ताकि आपको एक्ने स्कार के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, और आप अपने स्कार के मैनेजमेंट प्रॉपरली करें। दिस इज एजुकेशनल वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। अंत में मैं इतना ही कह सकूँगा, एक्ने स्कार को इग्नोर मत करो, बहुत अच्छी एडवांस सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है अभी, चाहे एट्रोफिक स्कार हो या हाइपरट्रोफिक, उन्हें इनिशियल स्टेजेस में ट्रीट करिए। जितना जल्दी आप एक्ने को या एक्ने स्कार को ट्रीट करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, एक्ने स्कार यूजुअली मिक्स होते हैं, एक ही ट्रीटमेंट
एक ही टाइप का लेजर सब एक्ने स्कार के लिए सफिशिएंट नहीं होता, उसके लिमिटेशंस होते हैं। आपके डॉक्टर आपकी स्किन के टाइप के अनुसार, आपकी स्किन टिश्यू के अनुसार, एक्ने स्कार के अनुसार आपको सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपकी जांच करेंगे, सही मेडिकेशन और ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपको आपके एक्ने स्कार जरूर ठीक हो जाएंगे। एक्ने स्कार के बारे में जानने की आप कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो जरूर आपके एक्ने स्कार प्रॉपरली आप ट्रीट करोगे और आप अच्छे हो जाएंगे और खुश रहेंगे। यू विल हैव वेरी गुड कॉन्फिडेंस, वेरी नाइस पर्सनैलिटी एंड प्रेजेंटेबल स्किन जो आप चाहते हैं। एक्ने स्कार हो गया इसलिए सब खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। एक्ने स्कार को ट्रीट करेंगे तो वो स्कार न के बराबर के लेवल का हम कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम रिजल्ट दुनिया में दे सकते हैं उतना मैक्सिमम रिजल्ट इंडिया में बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट जिनके पास बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस है वो आपको दे सकते हैं, तो निराश नहीं होना। लेकिन ट्रीटमेंट करना और आपका कॉन्फिडेंस वापस लाना, आपके फ्रस्ट्रेशन को फुल स्टॉप देना, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।